वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आज हम पढ़ रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर को किस तरह से सप्लिट कर सकते हो, एक वेक्टर के किस तरह से अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या बनाएगा, इसके लिए आपको एक अलग से, चाहे आप ये कहो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, क्योंकि प्लेन टू डायमेंशन होता है और टू डायमेंशन फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप बोल सकते हो इसको, जब इसको स्प्लिट करोगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एक वेक्टर स्प्लिट हुआ, अलोंग वाई एक्सिस एक दूसरा एक्सिस जो दूसरा वेक्टर है वो स्प्लिट हुआ, क्योंकि आपके पास थे ये है इसका रिजल्टेंट वेक्टर, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर को स्प्लिट होना और स्प्लिट होके ये दो पार्ट में डिवाइड हो, अच्छा दो में ही क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन है तो प्लेन में दो ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ओनली, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग दूसरा कंपोनेंट, तो जब इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग होगी तो उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, तो उसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है उसको, क्यों, क्योंकि ये मिलकर एक रेक्टेंगल बनाता है, ठीक है, इसलिए उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने लिखा कि जब किसी वेक्टर को स्प्लिट किया जाए इनटू द कंपोनेंट वेक्टर, उसके वेक्टर के कंपोनेंट बने, कंपोनेंट मतलब कि उसको पार्ट किया जाए, ठीक है, एक वेक्टर होगा उसके पार्ट किए जाए, जैसे ये वेक्टर लिया इसके दो हिस्से किए, एक वेक्टर इधर फेंका एक इधर फेंका, तो मतलब दोनों से क्या बना, ये देखो रेक्टेंगल, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यही चीज मैंने लिखी है, अ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन है लेकिन परपेंडिकुलर है, ये इसके 90 डिग्री पे है, यहां पे पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये देख लो, और इसीलिए तो रेक्टेंगल, अरे रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है ना, आप कहोगे सर ये तो हमें स्क्वायर दिख रहा है, इसकी सारी साइड्स इक्वल दिख रही है, ठीक है, मुझे बताओ और स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो हम कह सकते हैं ना, जितने भी स्क्वायर रेक्टेंगल की सिंपल कंडीशन है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, क्या स्क्वायर में नहीं होती, अपोजिट साइड तो स्क्वायर में भी इक्वल होती है ना, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम दिया गया, तो ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर की स्प्लिटिंग हुई है, ये वेक्टर था हमारे पास रिजल्टेंट वाला ओ क्यू जिसका नाम हमने ए दिया था, इसकी स्प्लिटिंग होकर दो वेक्टर में कंपोनेंट बन गए, एक ही साइड जो ए एक्स आई है, वाई ए एक्स आई, ए एक्स इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस है, आई इसलिए क्योंकि इस साइड हमने यूनिट वेक्टर आई लिया है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड एक होता है डायरेक्शन, तो जिसका मैग्नीट्यूड वन, ये डायरेक्शन तो होती है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वन यूनिट हो, ठीक है, वन सेंटीमीटर वन मिलीमीटर जितना भी है वन यूनिट हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई डायरेक्शन इसकी इधर है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है, इसको ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में म्यूचुअली में होता है कि आपस में, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हो दूसरे के, दूसरा परपेंडिकुलर हो पहले के, तो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। अच्छा, ए एक्स में आई बोल रहा था, ये आई है यूनिट वेक्टर, ओके, तो यूनिट वेक्टर का जिसका वन यूनिट मैग्नीट्यूड हो, अच्छा आई इस साइड हमने एक्स एक्सिस में लिया, जे हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया यूनिट वेक्टर, तो इससे क्या बना, जो एक्स एक्सिस के अलोंग था उसको ए एक्स आई कहा, ए एक्स क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, ए वाई जे कहा, जे इसके अलोंग, लेकिन वाई क्यों कहा, क्योंकि एक्सिस तो वाई वाला है ना, ये एक्स वाला है ये वाई वाला है, तो दोनों को मिला के आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, प्लेन कंपोनेंट है रेक्टेंगल वाला, ओके, तो ये इस तरह से बने। अब यहां पे देखो जरा, मैंने वही चीज लिखी है, लेट अ वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू जो है ना उसको पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये क्यू की पोजीशन दिखाता है ओरिजिन से, इसलिए इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और ये इक्वल होता है इन दोनों वेक्टर के सम के, वो कैसे, आपको पता होगा हमने ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, जिसको बोलते हैं सम ऑफ द टू वेक्टर, हमने समीशन की ना, हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर किया, सब्ट्रैक्शन की है, तो जो एडिशन वाला है ना उसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसकी ट्राइंगल बनती है, एक रेक्टेंगल पे दो राइट ट्राइंगल्स बनती है, हालांकि यहां 90 डिग्री का है और ये रेक्टेंगल है ना, इसी वजह से ये 90 डिग्री का है, ओके, तो आई जो है ना वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, देखो आई, उसके बाद एंड वाई एक्सिस के अलोंग जे, और वाई एक्सिस के अलोंग, एक मिनट, और वाई एक्सिस के अलोंग है जे, जे यूनिट वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, ओके, तो ये इस तरह से हमने लिखा। अब देखो हमने ओ, ये जो क्यू पी है, कहां पे क्यू पी, ये वाला, ये परपेंडिकुलर, देखो बिल्कुल सिंपल चीज है, क्यू पी जो परपेंडिकुलर है वो हमने ड्रॉप किया है पी पे, और किसके, ओ एक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ओ एक्स के परपेंडिकुलर, अच्छा यहां पे देखो जरा, क्यू आर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, ओ वाई के, यहां देखो एक है ओ एक्स एक है ओ वाई, हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो है क्यू पी, क्यू पी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, मतलब ओ एक्स, यहां ओ से वाई कौन सा है, क्यू आर, तो ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए,
ठीक है। अब ओ पी जो है उसको हमने ए एक्स आई माना है, क्यू पी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, और इसी तरह से क्यू आर जो है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बस इतनी सी बात है और बन गया रेक्टेंगल। अब परपेंडिकुलर होते हैं तो तभी रेक्टेंगल बना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जहां जहां 90 डिग्री का एंगल या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल। हर स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, इसलिए इसको क्यों नहीं कह सकते, ये अलग भी हो सकता है ना इसकी साइड्स, तो इसीलिए साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स जो है वो तो सेम रहेंगी, बट इसकी जो दूसरी एडजेसेंट साइड्स हैं जरूरी नहीं कि इक्वल हो, इसलिए तो रेक्टेंगल कंपोनेंट है। अब यहां पे देखो OP को हमने AXI माना, ये देखो OP को AXI और OR को AYJ, वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, J यूनिट वेक्टर है, I यूनिट वेक्टर है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होता है कि ये जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी मैं लिखूंगा A वेक्टर इज इक्वल टू AXI और AYJ, दोनों को सम कर देंगे तो इसी तरह से होगा A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ, दोनों का सम हो गया, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने किया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखो कि क्या था कि ये एक राइट ट्रायंगल बन गई, आपके पास स्क्वायर हो आपके पास रेक्टेंगल हो, दो राइट ट्रायंगल्स बनना तय है कम से कम, ठीक है, तो दो तो बन ही जाती हैं। अब यहां पे जो राइट ट्रायंगल बनी है इसमें ये होता है परपेंडिकुलर, क्यों किसने कहा परपेंडिकुलर है, हमें कैसे पता चला, अगर मैं यहां पे एंगल लेता हूं तो एंगल के सामने हमेशा थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर तो बचा क्या, बेस और हाइपोटेन्यूज, आप ये जानते हो कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच, तो बेस है ये, हाइपोटेन्यूज है ये, परपेंडिकुलर है ये, तो बी अपॉन एच मतलब AXI अपॉन A, तो लिख दिया AXI अपॉन A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये, मतलब AYJ अपॉन A, तो लिख दिया AYJ अपॉन A, दोनों को लिख दिया। जब ये लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर आया तो ये इसके पास पहुंच गया, A cos थीटा AXI है, A cos थीटा AXI, इसे क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए साइन थीटा क्या है, ए वाई जे, ए वाई जे आ गया ए साइन थीटा, एक ही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर किया तो बना AXI का स्क्वायर, तो बन गया AXI का स्क्वायर। अच्छा आप कहोगे यहां पे सर आई क्यों नहीं लिखा, देखो आई है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वन, तो वन का स्क्वायर करोगे तभी तो वन ही होता है, मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है यूनिट वेक्टर का, तो वन का स्क्वायर करोगे तभी तो वन ही रहेगा ना, वन का स्क्वायर भी वन रहेगा, तो यही किया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई वन लिखो या ना लिखो एक ही बात है, यहां पे भी वैसा ही हुआ, ए वाई के साथ जे था तो जे भी तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का जब स्क्वायर करते तो वन का स्क्वायर करना सेम बात है, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन को मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है, ओके, तो यहां पे वो हो गया। अब देखो राइट साइड भी तो करनी है, ए कॉस थीटा का स्क्वायर और ए साइन थीटा का स्क्वायर का सम, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग भी कहा तो एड कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया दोनों को, ए के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, ए के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, दोनों में कॉमन आ गया A का स्क्वायर तो लिख दिया कॉमन, बीच में बचा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा लिख दिया। अब हमें पता है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्लास 10th में भी पढ़ा था आपने कि 1 के इक्वल होता है, 1 के, तो इस पूरे की जगह में लिख दिया 1, तो A स्क्वायर बन जा A स्क्वायर, तो बस आ गया आंसर। अब A स्क्वायर हमें तो A चाहिए, हमें तो वो वेक्टर चाहिए जो रिजल्टेंट वाला है, इसी की तो सबलिटिंग की है, इसी की तो रिजोल्यूशन की है, इसी के तो कंपोनेंट बनाए हमने, रेक्टेंगल कंपोनेंट इसी के तो है, एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के अलावा जो भी हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं वो क्या है, आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो यहां से स्क्वायर जो है वो इधर आके रूट बना गया, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बना गया, तो यहां पे स्क्वायर रूट आ गया, बस तो एक ही वैल्यू आ गई। तो यही था आपका कंपोनेंट्स की रिजोल्यूशन, किस तरह से आप एक प्लेन के अंदर वेक्टर की रिजोल्यूशन कर सकते हो, उसको किस तरह से कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो यही है रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। ओके, अब इसके बाद एक या दो टॉपिक्स के बाद आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट है, उसी के साथ आपका यूनिट भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना है।